नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं ज्योतिष में अंतरजातीय विवाह, जिसको इंटरकास्ट मैरिज बोलते हैं, उसके बारे में हम जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम जो लग्न लिया है वो है तुला लग्न है। तुला लग्न के जो भी जातक और जातिका है अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि किस तरह से ज्योतिष में बताया गया है कि इंटरकास्ट मैरिज हो और अंतरजातीय विवाह हो तो किस तरह का उनका योगों के बारे में जानकारी दी है, उसको हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इस श्रृंखला में आज तुला लग्न की हम बात कर रहे हैं। जो जातक और जाति तुला लग्न के हैं उनके लिए ये विशेष कर है। तो आप भी अपनी कुंडली को खोल लीजिए और देखिए, अगर लग्न भाव आप स्वयं है तो यहाँ पे स्वयं मतलब शुक्र है, जो शुक्र लग्नेश है यहाँ पे, तो उसको देखेंगे। साथ में सप्तम भाव का स्वामी मंगल है, तो मंगल को की स्थिति सप्तम भाव को देखेंगे और मंगल की स्थिति भी देखेंगे। इसके बाद में हम नवम भाव की बात करते हैं। तो नवम भाव हमारा धर्म भाव कहलाता है, तो यहाँ उसका स्वामी बनता है बुध, और इसके जो कारक है गुरु वो पंचम और नवम भाव के भी कारक हैं। और इस तरह से बृहस्पति ग्रह को देखा जाएगा। फिर शुक्र ग्रह जो है वो, अगर आप पुरुष जातक हैं तो शुक्र ग्रह है वो शादी का कारक है, और बृहस्पति ग्रह है जो स्त्री जाति के लिए शादी का कारक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो बृहस्पति शुक्र पहला भाव, सातवां भाव, नवम भाव और साथ साथ में पंचम भाव, और इसके बाद में जो शनि और राहु हैं, इनका अगर प्रभाव जो भी अभी बताया इन भावों पे तथा ग्रहों पे पड़ेगा, तो क्योंकि शनि और राहु अंतरजातीय विवाह के कारक हैं, तो इनकी जब भी दृष्टि पड़े या वो युति करते हों या राशि पर मतलब उनके साथ में युति कर रहे हों, दृष्टि कर रहे हों बृहस्पति पे और शुक्र पे, राहु की युति हो जैसी यहाँ हो रही है, शनि की जैसी यहाँ दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, इस तरह के अगर योग बन रहे होंगे तो अंतरजातीय विवाह के योग बन जाते हैं। तो हमने ये सिंपल सा सादा सूत्र है कि शनि और राहु का जब भी प्रभाव पहले भाव, पांचवें भाव और सातवें भाव और नौवें भाव साथ साथ में जो कारक ग्रह है बृहस्पति और शुक्र पे आएगा, तो जातक का अंतर जातीय विवाह के योग बन जाते हैं, जातक इंटरकास्ट मैरिज जरूर करेगा। तो अभी हम यहाँ वो जो अभी बताया फॉर्मूला उसको देखेंगे। देखें पहले भाव पे हमें यहाँ पे राहु का प्रभाव है, उसके साथ साथ सातवें भाव पे भी राहु देख रहा है, नवम भाव को भी राहु देख रहा है और शनि भी सातवें भाव को देख रहा है, शनि भी शुक्र को भी देख रहा है सातवीं दृष्टि से। तीसरे पहले भाव प्रभावित होने से राहु शनि से तो इंटरकास्ट मैरिज होती है। फिर हमने बताया कि सप्तम भाव भी अगर शनि से प्रभावित हो तो यहाँ देख रहे हैं तीसरी दृष्टि तो भी इंटरकास्ट मैरिज होती है। फिर हमने बोला नवम भाव पे राहु का प्रभाव आएगा या नवी दृष्टि तो भी इंटरकास्ट मैरिज होती है। फिर हमने बताया कि शुक्र पे भी अगर शनि का जैसा प्रभाव यहाँ देख रहा है सातवीं दृष्टि तो भी इंटरकास्ट मैरिज होती है। इसी तरह से बृहस्पति भी राहु से युति बना रहा है तो भी इंटरकास्ट मैरिज होती है। तो इस तरह के योग आप कुंडली में कहीं भी देख सकते हैं। जैसे राहु यहाँ बैठा है, राहु पंचम भाव में बैठ के भी इसी तरह का दृष्टि संबंध अगर बृहस्पति शुक्र से बनाएगा और यहाँ से वो नवी दृष्टि पांचवी दृष्टि से नवम भाव को देखेगा तो इंटरकास्ट मैरिज होगी। इसी तरह शनि भी लग्न में बैठ सकता है, सप्तम भाव बैठ सकता है, पंचम भाव में, नवम भाव में, इनमें बैठ के जैसे यहाँ पे शनि बैठता है और वो तीसरी दृष्टि से शुक्र को देखता है, तो कहीं पे भी राहु और शनि अगर बृहस्पति शुक्र पे अगर अपना प्रभाव डालते हैं दृष्टि से या युति से, शनि यहाँ युति भी बना सकता है शुक्र के साथ में, कहीं पे भी अगर वो शुक्र यहाँ लग्न में बैठा है और यहाँ राहु है, राहु से युति बनाएगा तो भी इंटरकास्ट मैरिज कराएगा। तो
ये सीधा रूल है कि भाई शनि और राहु जब प्रभाव डालेंगे लग्न पे, सप्तम भाव पे, नवम भाव पे, शुक्र पे, बृहस्पति पे, या तो युति से या जिस तरह दृष्टि संबंध से या आदि से, यहाँ से राहु की दृष्टि नवम भाव पे भी है, सप्तम भाव पे है, पंचम भाव पे भी है, तो इस तरह से कुंडली में अगर राहु और शनि जो अंतर जाति विवाह कराते हैं उनका प्रभाव बृहस्पति पे आएगा, शुक्र पे आएगा, लग्न पे आएगा, सप्तम भाव पे, नवम भाव पे, या तो युति से, दृष्टि संबंध से, और अगर साथ साथ में मंगल जो है और सूर्य है, इनका भी अगर उनके साथ में प्रभाव आए, मान लो सूर्य मंगल जो है ये है सप्तम भाव में बैठ जाता है और वो भी बृहस्पति को प्रभाव डाल रहे हो ऐसे, तो कहने का अर्थ है कि इस तरह के जो प्रभाव इन भावों के साथ साथ शुक्र बृहस्पति पे होगा तो जातक का अंतर जातीय विवाह के योग बना देता है। तो बहुत ही सरल से है, आप देख सकते हैं अपनी कुंडलियों में जो जातक और जाति का तुला लग्न का है, तुला लग्न में जो लग्न का मालिक भी शुक्र है और शादी का कारक भी शुक्र है, तो शुक्र जितना प्रभाव शनि राहु के उसमें आएगा युति से, दृष्टि से, तो आपका इंटरकास्ट मैरिज करा देगा। इसी तरह सप्तम भाव का स्वामी भी मंगल बनता है, और मंगल पे भी अगर जैसे है शनि का प्रभाव राहु का प्रभाव आ रहा है, मंगल मान लो यहाँ बैठता है और शनि की तीसरी दृष्टि में आता है, या मंगल यहाँ बैठ के राहु की सातवीं दृष्टि में आता है, या मंगल लग्न में बैठ के राहु के साथ में हो, या कहीं पे भी यहाँ मंगल राहु बैठ सकते हैं, यहाँ मंगल राहु बैठ सकते हैं, यहाँ मंगल राहु बैठ सकते हैं, या शनि बैठ सकते हैं, युति या दृष्टि संबंध भी अगर और सप्तम भाव और सप्तम भाव स्वामी मंगल पे आएगा तो भी जातक का अंतर जातीय विवाह के योग बना देगा। तो ये इस तरह से आप जान सकते हैं कि अगर आप तुला लग्न के जातक है तो आपको देखना है लग्न भाव को देखना है, सप्तम भाव को देखना है, नवम भाव को देखना है, तथा कारक ग्रह है बृहस्पति और शुक्र, और जो शादी के इंटर मैरिज कराते हैं वो शनि राहु, इनके दृष्टि संबंध, युति संबंध आदि से अगर ये शुक्र राहु पहला सातवां नवा भाव और इनके स्वामी प्रभावित होंगे तो आपके इंटरकास्ट मैरिज के योग बना देंगे। तो आज हमने जानकारी दी आपको, अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो आप हमारी चैनल एस्ट्रो सिंपलीफाई को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम उन्हें लिंक दी है, लिंक पे क्लिक करके आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, तथा वीडियो को लाइक कीजिए। आपको टेलीफोन से परामर्श प्राप्त करना चाहता है तो मामूली दक्षिणा देके आप टेलीफोन से परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपने मेरा वीडियो शेयर किया, लाइक किया और सब्सक्राइब की मेरी चैनल, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।